बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ शायना शाम्स। आइए आज की खबर की जानिब पढ़ते हैं। नवाब शाह से बिलाल कुरैशी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। ठहरी मिरवा में स्कूल टीचर कंवल अराय को मुबैना तौर पर अगवा और जेएनसी हरासमेंट करने के खिलाफ नवाब शाह प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुलजमान की अदम गिरफ्तारी और पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिदीन का कहना है कि मुकदमा में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार ना किया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरा अब्दुल रज्जाक आराय अरशद आराय की सरबराही में किया गया। मुजाहिदीन का यह भी कहना था कि मुलजमान अब भी कंवल आराय और उनके विरसा को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे बच्चों की इज्जत महफूज नहीं और सिंध हुकूमत कोई नोटिस नहीं ले रही। मकामी पुलिस और DSP ठहरी मिरवा मुलजमान की पुष्ट पदाही कर रहा है। IJ सिंध, वजीर अला सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक करें। शायना शम्स को इजाजत दीजिए, अल्लाह नेकबान।